अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज़िंदगी आयुर्वेदिक पर आपका खैर मकदम है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा आयुर्वेदिक पौधा जो वैसे तो एक सब्जी के रूप में अक्सर हर घरों में इस्तेमाल किया जाता है, पर अक्सर हम नहीं जानते कि जो चीज़ हम खा रहे हैं उसमें कौन सी फ़ायदे छुपे हुए हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सूरन का पौधा। सूरन के पौधे को कई नामों से जाना जाता है, जैसे हिंदी में जिमीकंद और सूरन कंद, संस्कृत में अर्सोगना कंदला, गुजराती में सूरन और इंग्लिश में इसे एलिफेंट फुट यैम कहा जाता है। इसे अमॉर्फोफेलस पियोनी फोलियस भी कहा जाता है, जो कि एक बोटैनिकल नेम है और ये बिलोंग करता है एरेसी फैमिली से। सूरन का पौधा ज़मीन के अंदर मौजूद कंद के लिए बहुचर्चित है। इसके कंद को सर्वश्रेष्ठ कंदों में से एक कंद माना जाता है। हमारे भारत देश में कई जगहों पर इसकी खेती भी की जाती है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि इसका पौधा देखने में कैसा होता है और इसके कंद पर भी हम जरा गौर करेंगे। इसकी ज़्यादातर पत्तियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। इसका तना बहुत कमज़ोर होता है, जिस पर सफ़ेद धब्बे मौजूद होते हैं, यह आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसे पहचान लीजिए। इसका कंद ज़मीन के अंदर होता है। ये देखने में गोल और हाथी के पाँव के जैसा होता है, इसलिए इसे एलिफेंट फुट यैम भी कहा जाता है। सूरन का कंद ज़्यादा से ज़्यादा 30 किलो तक बड़ा हो सकता है। सूरन के कंद में ऐसे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, जैसे तांबा, सिलेनियम, फॉस्फोरस, जस्ता, पोटेशियम और मैग्नीशियम। इसमें बड़ी मात्रा में प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पाया जाता है, जो हमारे हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके आयुर्वेदिक उपयोग से ज़्यादातर लोग अनजान हैं, पर मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे किन किन रोगों में उपयोग में ला सकते हैं। ये आमतौर पर उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाता है जो बवासीर के मरीज हैं, इसीलिए डॉक्टर्स भी उन्हें इस कंद का सेवन करने की सलाह देते हैं। बवासीर को यह ख़त्म करता है। इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड की वजह से इसका इस्तेमाल दिल के मरीजों के लिए भी होता है। इसमें दर्द और सूजन को कम करने वाले गुण भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल गठिया रोग को दूर करने के लिए भी किया जाता है। यह लीवर और पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी है, जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने और कार्डियोवास्कुलर रोग, स्ट्रोक और कैंसर को रोकने में भी मदद करता है। जो महिलाएं इसका सेवन करती हैं, उनका हार्मोनल संतुलन अच्छा रहता है। हाँ, प्रेग्नेंट महिलाएं इसका इस्तेमाल ना करें। सूरन के कंद को छाछ और इमली के साथ उबालकर लेने से बड़े हुए प्रोस्टेट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये दस्त, पेट दर्द और गैस को दूर करने में मदद करता है। इसके और भी कई फायदे जो कि आयुर्वेद में दर्ज है, जो आपको हैरान कर देंगे। हमने आपको उनमें से कुछ के बारे में बताया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी आप हमें ये कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमें शेयर करें, लाइक करें और आप हमारे आयुर्वेदिक चैनल ज़िंदगी आयुर्वेदिक को सब्सक्राइब करें, ताकि नए नए आयुर्वेदिक पौधों की जानकारियाँ